हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। आज टॉपिक कुछ अलग से लेकर आए हैं वॉइस ऑफ पानीपत पर। आपने देखा होगा कि आज कल की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है उसमें शारीरिक ढांचा जो है कैसे बदलता जा रहा है। जो लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं या सारा दिन बैठ के काम करते हैं या जो चल फिर नहीं सकते, उसके लिए एक विशेष खबर हम लोग बना रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर आजकल लोगों को दिक्कतें जो है शारीरिक ज़्यादा होते जा रही हैं, इलाज कम है, डॉक्टरों के पास बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हैं लेकिन बड़ा पैसा लगाने के बाद, लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी इलाज नहीं मिल पाता। उसके बाद लाखों रुपया खर्च करने के बाद फिर वो घर पर लाचार होकर बैठ जाते हैं। ऐसे में क्योंकि दिक्कत कई दिनों से मुझे भी आ रही थी, सर्वाइकल की दिक्कत थी, थोड़ी पीछे प्रॉब्लम थी, तो हम एक डॉक्टर के पास पहुँचे, एक्यूप्रेशर के डॉक्टर हैं, तो यहाँ पर पहुँचे तो काफ़ी पेन जो था उसमें रिलीफ मिला। तो हम लोगों ने सोचा कि आपके लिए ये खबर जो है बनाई जाए, क्योंकि एक बड़ी लाभदायक और महत्वपूर्ण खबर है और आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी लाभदायक साबित हो सकती है। तो इसके लिए हम लोग गौशाला मंडी में पहुँचे हैं। गौशाला मंडी में एक्यूप्रेशर के डॉक्टर, उनसे ही बातचीत करते हैं और कुछ जो आजकल की ज़िंदगी में क्या दिक्कतें हमारे साथ आ रही हैं, शारीरिक दिक्कतों की बात कर रहे हैं और उसमें कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, मात्र 100 रुपये में आप अपना इलाज जो है करवा सकते हैं। तो इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर के तहत हम लोग जुड़े हैं, तो चलते हैं यहाँ पर। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ, डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार सर। डॉक्टर साहब अभी जिक्र कर रहा था मैं बाहर खड़े होकर, क्योंकि जिंदगी का ढांचा बदल रहा है, लाइफस्टाइल बदल गया, शारीरिक ढांचा बदलता जा रहा है, लाखों रुपया खर्च करके फिर भी ऑपरेशन करवाते हैं फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो ऐसे में एक्यूप्रेशर जो आपने सर्वाइकल का ये शुरू किया है, हम लोग भी 2-3 दिन से आ ही रहे हैं, फ़र्क महसूस हुआ है। 100 रुपये में कैसे इलाज करते हैं? 100 रुपये में सर, हम जैसे सर्वाइकल का हम लें तो सर्वाइकल की ये जैसे मेन इन पॉइंटों पर होता है सर्वाइकल, तो पॉइंटों को प्रेस किया जाता है, एक ये एक्यूपंचर नीडल लेस एक्यूपंचर हो जाता है, एक्यूप्रेशर हो जाता है इससे, और हम इस तरीके से पॉइंट करते हैं। ये देखिए सर, इस तरीके से पॉइंट करेंगे और ये 2 मिनट से 5 मिनट तक ही हम पॉइंटों को इसको करते हैं और 2 से 5 मिनट में बंदे को पूर्ण रिलीफ आ जाता है इसके अंदर। और जिनको पुराना है सर्वाइकल वो 10 से 15 दिन हमारे सेंटर पर आएँ और थेरेपी लें, और पूरी तरह थेरेपी से सर्वाइकल पूरी तरह गायब हो जाता है ये, और पहले दिन से ही आपको आराम मिलेगा इसमें, दर्द से पहले दिन ही आराम मिल जाएगा इसके अंदर। सर्वाइकल के कुछ पॉइंट होते हैं, मैं बता दूं यहाँ से, ये C1, C2, C3 ये सारे पॉइंट्स हैं, तो जिन पॉइंटों में प्रॉब्लम होती है उन्हीं को हम प्रेस करते हैं और वह ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, ब्लड सर्कुलेशन को हम दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। सर्वाइकल के कारण सिर में दर्द हो जाता है, यहाँ से ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है, सिर में भारीपन आ जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आएंगे तो गर्दन पहले दिन ही नरम हो जाएगी, और कईयों की गर्दन तो सर्वाइकल के कारण इधर दाएं बाएं यहाँ घूम भी नहीं पाती, तो हम पॉइंट करेंगे जैसे, तो पहले दिन से ही आराम पेशेंट को होने लग जाता है। जो उसको चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही है सर्वाइकल के कारण, सिर भारीपन ज़्यादा आ गया, तो फर्स्ट डे ही उसको 15 मिनट के अंदर ये आराम आ जाता है। डिस्क को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और बड़े बड़े हॉस्पिटल में लोग जा रहे हैं, गारंटी नहीं है, लाखों रुपया ले भी जाते हैं, तो ऐसे में इस चीज़ का भी इलाज है आपके पास? हाँ जी सर, उसमें डिस्क में क्या हो रहा है, हमारी ना फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है, आज सारा सीटिंग का काम हो गया तो हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं रही है, उसके कारण हम जब भी कोई अचानक कोई वेट उठा ले या अचानक झुक जाते हैं या कुछ ज़्यादा देर कहीं किसी चीज़ पे हम मतलब सफ़र करते हैं तब भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे सियाटिका की प्रॉब्लम है, तो सियाटिका डिस्क से जुड़ी हुई नर्व है, लंबर 4-5 से ये जुड़ी हुई नर्व है, जो लगा हुआ है, इससे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। ये सियाटिका की पेन है, डिस्क प्रॉब्लम से ये स्टार्ट हो जाती है, सियाटिका नर्व है दोनों साइड के अंदर, ये लेफ्ट भी और राइट भी, लगभग 1/2 इंच मोटी नर्व होती है ये, इसमें ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। ज़्यादातर पेशेंट को कूल्हे पे दर्द होता है, ये लंबर स्पाइन में रहता है कुछ समय दर्द, उसके बाद कूल्हे पे आ जाता है, और फिर कई लोगों को नीचे पिंडली में भी, और पूरा पैर, पूरे पैर में यहाँ दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो हम इसके पॉइंट यहाँ से ये पॉइंट स्टार्ट करते हैं, सारे पॉइंट किए जाते हैं, और थोड़ा सा मशीन हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन की तो वो भी कराई जाती है, और पेशेंट को इसमें 15 से 20 सेटिंग सिटिंग में पूरी तरह आराम आ जाता है इसके अंदर। ये
ये मानवीय ढांचा है जो ऐसे रहता है ये। हाँ जी, हाँ जी, ये हमारी स्पाइन है, ये इधर का, ये सर्वाइकल के है, मन के, तो इनमें पॉइंट करते हैं। सर्वाइकल के कारण ये दर्द हाथों में भी आ जाता है, ये नर्व आप देख रहे हैं तो ये हाथों में भी, हाथ भी सुन रहने लग जाते हैं, ये फोर्जन शोल्डर भी हो जाता है सर्वाइकल के कारण, दर्द आगे बढ़ता जाता है जब। सर्दियों का टाइम है, सुबह उठते हैं लोग, शरीर जकड़ा सा होता है, शरीर जकड़ने दौरान खून का दौरा रुक जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, उसके स्लो हो जाता है, मतलब उसके कारण ऐसा हो जाता है। तो ये ब्लड की जो बता रहे, क्यों रुकता है ऐसे, क्या चीज़ है ये? हम सीटिंग के जैसे जॉब है, बैठे रहते हैं पूरा दिन, वर्किंग नहीं है, लेक ऑफ वर्किंग नहीं है, तो उसके कारण ये ऐसी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या मानते हैं ये, पहले क्योंकि बुजुर्गों में ये चीज़ें ज़्यादा थी, आजकल जवान लोगों में, क्योंकि मेरे भी प्रॉब्लम हो रही थी दो दिन से, मैं भी सीटिंग ले रहा हूँ, तो जो युवा लोग हैं, बच्चे हैं, उनमें भी ये चीज़ें देखने को मिली? हाँ, उनमें भी बहुत ज़्यादा होगी। अब आजकल देखो कोरोना के टाइम में बच्चे घर पे ही पढ़ रहे हैं, तो मोबाइल से सारी एजुकेशन ले रहे हैं, तो उसके कारण उनको सर्वाइकल हो रही है, डिस प्रॉब्लम हो रही है, बैठे बैठे आँखों की प्रॉब्लम हो रही है उसके कारण। तो सर्वाइकल बच्चों में भी कभी होता नहीं था, तो आज तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उनके गर्दन में शुरू में दर्द रहता है कुछ महीने, फिर लगातार वो दर्द रहने लग जाता है, और धीरे धीरे सर्वाइकल का रूप, वो भयंकर रूप ले लेता है, और कुछ लोगों को तो इतना हो जाता है कि उनसे फिर गर्दन घूमती ही नहीं, लेफ्ट राइट भी गर्दन नहीं घूम पाती, इस तरह की प्रॉब्लम सामने आती है। तो इधर क्या बना रखा है, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे कैसे काम करते हैं आप। ये जो मशीन है, ये ब्लड सर्कुलेशन की मशीन है, इसके ऊपर खड़े होके तो एक्यूप्रेशर भी हो जाते हैं सभी पॉइंट, और ब्लड सर्कुलेशन इसमें चलता है, और जिससे हमारा शरीर में हल्कापन आने लग जाता है, जो सर्कुलेशन रुका हुआ है नर्व नाड़ी के अंदर, वो सारा सर्कुलेशन इसके अंदर शुरू हो जाता है शरीर के अंदर। कुर्सी किस टाइप की है ये? इसमें ये मसाज भी करती है सारे पॉइंटों की, पूरी स्पाइन की मसाज करती है, पैरों की करती है, नीचे पैरों के पॉइंटों का करती है, हाथों का करती है, हाथों के जितने पॉइंट है उनको भी प्रेस करती है, एक्यूप्रेशर कर रही है, मसाज कर रही है। इसमें 3-4 थेरेपी एकदम से चलती हैं अंदर, जैसे हम हाथ से करते हैं ऐसे ही ये चेयर भी ये कर रही है। तो ये इधर क्या है बाकी जो आपके? ये हीट मैट है, थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ मैं। ये हीट मैट है, ये स्टोन लगे हुए, कोरियन स्टोन होते हैं, इन स्टोन ये गर्म होते हैं, तो गर्म होके इस पर सारा हीट दी जाती है पेशेंट को, इससे स्पाइन नरम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन चलने लग जाता है, जिससे दर्द ना तुरंत आराम आ जाता है, जो शरीर में एक जकड़ गया, शरीर जो जकड़न हो गई है वो जकड़न खत्म हो जाती है। बहुत बढ़िया चीज़ है ये। हाँ जी, ये स्पाइन बेड है जो मैडम कर रहे हैं, तो स्पाइन बेड इसमें बीच में रोलर लगे होते हैं, रोलर गर्म होते हैं और पूरी स्पाइन पे ये चलते हैं, और जिससे पेशेंट को तुरंत आराम इससे आता है। ये कोरियन मसाज बेड है। ये सेम सारी चीज़ें? हाँ जी, सेम ऐसे ही है सारी। डिस्क की कितनी पुरानी प्रॉब्लम हो आपके यहाँ ठीक हो जाती है? डिस्क की जितनी मर्जी पुरानी, 5 साल 10 साल पुरानी प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाती है हमारी थेरेपी से। इससे फैसिलिटी क्या बताना चाहेंगे आप दर्शकों को जो दो देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये चीज़ें तो लगातार बढ़ती जा रही है, सर्वाइकल का जो है और रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, खून का दौरा रुक जाता है। इसमें हम पॉइंट करेंगे, कुछ स्पेशल पॉइंट होते हैं वो करते हैं हम, सर्वाइकल में भी, डिस प्रॉब्लम में भी, और पेशेंट 10 से 15 थेरेपी में बिल्कुल उसका दर्द ठीक हो जाता है, और जो बहुत पुरानी है उसमें 20 से 25 सीटिंग लग जाती हैं उसमें। तो एक महीने के अंदर आप इलाज लग जाता है पूरा, पुरानी समस्याओं में महीना भी लग जाता है, लेकिन जैसे सर्वाइकल है उसमें फर्स्ट डे से आराम हो जाता है, डिस प्रॉब्लम में 10 से 15 दिन लग जाते हैं उसके अंदर। घुटनों में प्रॉब्लम है लोगों के? हाँ जी, जो घुटनों की प्रॉब्लम है, दर्द में हम तुरंत 4 से 5 दिन में आराम उसको दे देते हैं, और लगभग 1 मंथ में चलने फिरने लग जाता है जो पुराने पेशेंट है घुटनों के। हाँ जी, कुछ पेशेंट उनसे भी बातचीत करने। सर कब से आ रहे हैं आप यहाँ? सर मैं हफ्ता हो गया, मैं हफ्ते से आ रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम थी? मेरे डिस्क में प्रॉब्लम आ गई थी, तो अब आराम है यहाँ पे, काफ़ी आराम है। मतलब सही तरीके से ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर आजकल दिक्कत यही है सारी। बाकी अच्छा है, थेरेपी अगर हम ना लेता ना, मैं मेरे को बहुत दिक्कत आ गई थी, अब अच्छा महसूस हो रहा है। पहले डॉक्टर पे भी गए होंगे आप? डॉक्टर पे भी गए थे, तो उन्होंने भी सजेस्ट ये किया था कि थेरेपी लो, उससे आराम आ जाएगा। कितने दिन का बताया डॉक्टर साहब ने? ये 10 दिन का है प्रोसीजर। तो भी फर्क है? फर्क है, ये चीज़ें हैं फर्क। आपसे बात
नहीं, कब से आ रहे हैं जी आप ये थोड़ा सा, क्योंकि लोगों को जागरूक ही करना है इस बारे में। सर मैं 5-6 दिन से आ रही हूँ। क्या प्रॉब्लम थी आपको? सर मुझे डिस्क में और घुटनों में प्रॉब्लम। तो अब थोड़ा फर्क? हाँ जी, बहुत काफ़ी आराम मुझे। कितने घंटे आप यहाँ आते हैं? मैं सर 1-2 घंटा। हाँ जी, 2 घंटे में फर्क दिखे? हाँ जी बिल्कुल, काफ़ी आराम। डॉक्टरों से, हॉस्पिटल से रेट भी नॉमिनल है? नहीं बिल्कुल, सब कुछ जायज है यहाँ पे, और आराम भी काफ़ी मिलता है। जैसे डॉक्टर से नहीं हो पा रहा था कुछ भी, काफ़ी टाइम पहले दिखाया था हमने डॉक्टर से, तो अब बिल्कुल ठीक है सर। बिल्कुल ठीक है। अगर जो आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप आ सकते हैं गौशाला मंडी में। जो एड्रेस है हम लोग लगातार नीचे जो है फ्लैश कर रहे हैं स्क्रीन के नीचे, आप लोग एड्रेस देख रहे हैं, उनके फ़ोन नंबर भी है। तो आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सकते हैं। वाइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।